स्वागत है आपका। कल से शुरू हो रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज, जहां पर कल जो है पहला टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, जिसको लेकर दोस्तों टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दिया है। प्लेइंग 11 जो है कंफर्म कर दी है, जिसमें कई बड़े बदलाव जो है वो हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों यहां पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस प्लेइंग 11 की, आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों ये मैच जो है वो खेला जाना है विशाखापट्टनम में। जहां पर बात करें कब होगा मैच शुरू टाइमिंग की, तो यहां पर सुबह 9:30 बजे से जो है मैच लाइव शुरू हो जाएगा, विशाखापट्टनम में खेला जाना है, जिसके लिए टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस कर दी है। चेंजेस की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा विकेट कीपिंग में, जहां पर आपको बता दें कि ऋषभ पंत जो है वो हो चुके हैं प्लेइंग 11 से बाहर और रिद्धिमान शाह जो है वो करने वाले हैं विकेट कीपिंग। तो ये सबसे बड़ा चेंज है, जहां पर ऋषभ पंत को जो है कर दिया गया है टेस्ट की प्लेइंग 11 से बाहर, जिसको लेकर विराट कोहली ने कहा कि वो रिद्धिमान शाह को ज्यादा से ज्यादा मौके जो है वो देना चाहते हैं। बात करें दोस्तों दूसरे चेंज की, तो हम सभी को पता है कि रोहित शर्मा यहां पर हमें ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। बात करें तीसरे चेंज की, तो रविचंद्रन अश्विन की भी जो है यहां पर टेस्ट प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। कुलदीप यादव जो है वो हमें बाहर बैठते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये तीन चेंज हमें देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 की। दोस्तों अगर बात करें तो मयंक अग्रवाल के साथ रोहित शर्मा जो है ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। चेतेश्वर पुजारा होंगे नंबर 3 पर, तो विराट कोहली होंगे नंबर 4 पर। नंबर 5 पर दोस्तों वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे होंगे, 6 नंबर पर हनुआ विहारी, तो 7 नंबर पर होंगे रिद्धिमान शाह। इनके बाद दोस्तों 8 नंबर पर जडेजा, तो 9 नंबर पर रविचंद्रन अश्विन, और इनके बाद होंगे दो फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जसप्रीत बुमराह जो है पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं इंजरी के कारण, इसीलिए यहां पर ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी की जो जोड़ी है वो हमें दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 टीम इंडिया ने अनाउंस कर दी है पहले टेस्ट मैच के लिए, जो कि काफी अच्छी लग रही है। और यहां पर चेंजेस भी जो है वो बड़े बड़े हुए हैं, तीन बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। आपको कैसी लग रही है दोस्तों ये प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या ऋषभ पंत को बाहर कर रिद्धिमान शाह को प्लेइंग 11 में मौका देना सही फैसला है? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतने वाली है पहला टेस्ट मैच, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें।